न्यू ईयर आने पर किसी को हैप्पी साथ में जोड़कर कह देना ये काफी नहीं है। हैप्पी कैसे किया जा सकता है ईयर को या लाइफ को, उसके लिए आपको अपनी लाइफ पर रिफ्लेक्ट करना होगा। मेरे हिसाब से आप सारे साल को हैप्पी नहीं कर सकते, ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि जिंदगी में यहां जब आए हो तो प्रॉब्लम पेन्स और हैप्पीनेस मिक्स मिलते हैं। हाँ, हम ये चाहते हैं, एक्चुअल में हम हैप्पीनेस नहीं, हम ये चाहते हैं कि हमारी जिंदगी जो बेटर हो जाए, ये शब्द बेटर है कि बेटर हो जाए, ये ईयर पिछले साल से बेटर हो, ऐसी कामना करने से कुछ नहीं होगा, ऐसी प्लानिंग करने से कुछ हो सकता है, सोचने से हो सकता है, एक्शन लेने से कुछ हो सकता है। सारे साल हम इसी तरह निकालते रहते हैं कि जिसके साथ हैप्पी और न्यू ईयर उनको जोड़कर मैसेज करते रहते हैं, सेलिब्रेट करते रहते हैं, ये छोटी छोटी खुशियां लेते रहिए, पर ये देखिए कि क्या पिछले साल से आप बेटर कुछ कर रहे हैं। वो बेटर किया जा सकता है अगर आपके पास अच्छे क्वेश्चंस हैं। आपके पास क्वेश्चंस नहीं हैं तो मेरे ख्याल में बेटर कभी नहीं हो सकता। उनमें से एक क्वेश्चन आज आपके सामने रख रहा हूं, वो क्वेश्चन है, ये आपने सोचना है कि क्या आपके पास ये क्वेश्चन है। उनकी मैंने ये 1, 2, 3, 4, 5 कैटेगरी बना रखी है लोगों की, आप देखना है आप किस कैटेगरी में आते हो। क्वेश्चन क्या है, हु और व्हाट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट इन माय लाइफ। योर लाइफ की जगह पर कर लीजिए माय लाइफ, आपकी लाइफ में कोई पर्सन या कोई चीज है जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस है, रैंक वन पर है, क्या आपको पता चल गई है। पहली बात ये आपको क्वेश्चन है, आपके पास बहुत सारी चीजें हो सकती हैं, कोई प्यार करने वाला हो सकता है, फैमिली हो सकती है, कोई आपका एम ऑफ लाइफ हो सकता है, किसी चीज को अचीव करना हो सकता है, ये आपने खुद जानना है। कुछ लोग हैं जिनके पास ये अभी तक ये क्वेश्चन ही नहीं है, ये क्वेश्चन भी नहीं है, ठीक। कुछ लोग हैं जिनके पास ये क्वेश्चन है लेकिन वो क्वेश्चन है उनको फाइंड करने के लिए उन्होंने एनर्जी नहीं लगाई या उन्होंने टाइम नहीं दिया, बस क्वेश्चन लेके एक साल, दूसरा साल, तीसरा साल निकालते गए, ठीक। कुछ लोग हैं जिनके पास ये क्वेश्चन भी है और वो आंसर भी ढूंढ रहे हैं लेकिन उन्होंने रॉन्ग आंसर निकाल जो फाइंड आउट कर लिया है। जैसे बुद्ध ने कहा था राइट नॉलेज, ऐसे ही आपके क्वेश्चन का राइट अगर आंसर मिला है तो आपकी जो ईयर है वो बेटर होगा, टाइम जो बेटर आएगा, अदरवाइज नहीं। अगर रॉन्ग आंसर है उसको फॉलो कर रहे हो तो पहले से भी डाउन वाली कंडीशन में जाओगे, ठीक। कुछ लोग ऐसे हैं जिनके पास ये क्वेश्चन भी है और उसको फाइंड भी कर रहे हैं और राइट आंसर भी ढूंढ लिया है, ठीक है, बट उस पर एक्ट नहीं कर रहे। उनको पता चल गया मेरी लाइफ में मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या चीज है, कोई प्रैक्टिस है, कोई पर्सन है जहां कोई चीज मैंने अचीव करनी है, लेकिन उसको पता भी चल गया है लेकिन आइडेंटिफाई भी कर लिया है, ये राइट है, वेरीफाई हो गया है, कंसिस्टेंट बार 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 इवेल्युएट करने से पता चल गया दिस इज बेटर, दिस इज बेटर, दिस इज बेटर। जब पता चल गया है लेकिन एक्ट नहीं कर रहे, वो कुछ ऐसे लोग हैं। अच्छा, कुछ लोग वैसे हैं कि जिनके पास ये क्वेश्चन भी है, उन्होंने फाइंड भी कर लिया है, पता भी चल गया है कि राइट आंसर है और वो डेली एक्ट भी कर रहे हैं, ये लोग बेटर नहीं बेस्ट बन सकते हैं। अगर ऐसा करते हो तो आपका न्यू ईयर हैप्पी नहीं, बेटर नहीं, बेस्ट हो जाएगा। आपको सबसे पहले देखना है कि आप किस कैटेगरी में हो, आपको ये क्वेश्चन समझ आ रहा है, आप उसको फाइंड आउट करते हो, फाइंड आउट कहां से करना है, फाइंड आउट आपने अपने अपने प्रीवियस लाइफ से, अपने एक्सपीरियंसेस से। हाँ, रिफ्लेक्शन के लिए किसी के साथ शेयरिंग की जा सकती है, पर किसी का उत्तर आंसर आप ऐसे मत लीजिए। जैसे बुद्ध के पास जब उनको एनलाइटमेंट हो गई थी तो वो जिनको रास्ता बताते थे कि ये राइट नॉलेज है, पर कहते थे ये राइट नॉलेज मेरे लिए थी लेकिन अगर आपके एक्सपीरियंस पर ये पूरी उतरती है तब इसको अपनाना। आप किसी से नॉलेज तो ले सकते हैं लेकिन अपनी प्रीवियस ईयर, प्रीवियस लाइफ, प्रीवियस एक्सपीरियंस, प्रीवियस नॉलेज, और ये देखना है कि आप अपवर्ड मूवमेंट आपकी हो रही है उस आंसर से,
तो आपके लिए वो राइट आंसर, राइट नॉलेज और इसका भी आंसर होगा। तो आप अपनी लाइफ में मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज को ढूंढिए, वेरीफाई कीजिए और उसको डेली लाइफ में अप्लाई कीजिए। ऐसे कई क्वेश्चन हैं जो मैं नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा कि क्या उनके आंसर आपके पास हैं, क्या कभी वो सोचा है। अदरवाइज तो आप न्यू ईयर की बात करते हो तो मैं ये कहता हूं कि फिर लाइफ का ही कोई फायदा नहीं है। अगर आप जैसे आए थे वैसे ही चले गए, आप जैसे जन्म लिया था छोटे होते वैसे ही उसी स्टेटस में ही रहे, बेटर नहीं बने। हमारा पर्पस है ह्यूमन लाइफ का पर्पस है, ह्यूमन का पर्पस है बेटर बनना। सो बेटर तभी बन सकते हैं जब अगर आप जो ये दिया हुआ है नेचर ने, गॉड ने दिया हुआ है, उसको यूज करें, अप्लाई करें। अगर ऐसा करते हैं तो आप अपने इस साल को बेटर ईयर बना सकते हो। थैंक यू।